my interview, I was asked questions about Chhattisgarh, about the progress that it in the state since its creation, about poverty levels, about forests, about tribes. And since I have graduated in metallurgy, I was also asked about Bhilai steel plant and Nagarna steel plant. And there was also a question from my hobby, which is reading fiction. So I was asked who my favorite fictional character is and why. So that was an interesting question. मेरा यही कहना है कि सर्विसेज प्रोवाइड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड टू हेल्प इन नेशन बिल्डिंग एंड नेशनल डेवलपमेंट. तो आई थिंक जो सर्विसेज में मिलता है, आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज अनपैरेलल्ड है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज. मेरे घर में तो जैसे मैं तो यही देखी हूँ कि जो काम करते हैं उसमें कितना अच्छा काम हो सकता है. तो यही इन्फ्लुएंस किया है मुझे, मतलब इस फील्ड को चुनने के लिए, कि बहुत अच्छा काम किया जा सकता है सोसाइटी के लिए. तो फिर यही मोटिवेशन रहा है मेरे भाई के लिए भी, मेरे लिए भी. तो मुझे उतना कुछ नॉलेज है नहीं, आई एम नॉट रियली वेल वर्स, आई कांट कमेंट ऑन दैट. यूपीएससी का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है. छत्तीसगढ़ में लगभग 8 प्रत्याशियों ने इसमें महारत हासिल की है, इस प्रतिभा को प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक किया है. इस वक्त हमारे साथ अनुषा पिल्ले जी हैं, वेलकम ऑन द लोकमत स्क्रीन. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी. अनुषा, आपका जो रैंक है वो 302 है. कितनी मेहनत लगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में और कितने बार में ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ? इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी मेहनत तो लगती है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड द सिलेबस इज़ वास्ट, एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. ओके, सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रही हैं अनुषा, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की भी बात कर लेते हैं. पापा आपके IPS रिटायर्ड, मम्मा आपकी IAS. तो क्या नॉर्मल घर जैसा डिसिप्लिन था, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा अलग, कैसा क्या कुछ था? मेरे घर में ऐसा मतलब डिसिप्लिन पर एम्फेसिस तो रहा है, बट आई वुड से दैट देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसिप्लिन एंड वी वर एनकरेज्ड, वी हैव बीन एनकरेज्ड, माय ब्रदर एंड आई हैव बीन एनकरेज्ड टू परस्यू ऑल एक्टिविटीज. सो आई वाज इवन प्लेइंग स्पोर्ट्स व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग. आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन. आई यूज्ड टू इंडल्ज इन माय हॉबीज आल्सो, बट आई एंश्योर्ड दैट देयर वाज अ बैलेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग. तो क्या कुछ ऐसा प्रेशर था कि इसी फील्ड में आना है, यही एग्ज़ाम्स क्रैक करने, क्योंकि UPSC को मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है हिंदुस्तान में. शायद जितनी परीक्षाएं होती होंगी उसमें से सबसे टफ एग्ज़ाम यही है, जिसका सपना हर कोई देखता है पर पूरा कर पाना बहुतों के बस में नहीं होता. तो चूँकि घर में सभी उसी एग्ज़ाम को क्रैक करके करियर बना रहे हैं, उसी पाथ पर हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्रेशर था कि इट वॉज़ योर ओन थिंकिंग? It was my own choice completely. After my graduation, my parents told me that I could follow whichever career path I chose. So I had made a conscious decision to appear for the civil services because of the opportunities it offered. So there was no external pressure. I took this decision on my own. So it was my own choice. Okay. कुछ जो चीजें होती है जिससे जो भी अभ्यर्थी होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा डरते हैं इंटरव्यू, क्योंकि हम प्री निकाल लेते हैं, मेंस में हमको लिखना होता है, वो हमारा ओन रहता है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा रहता है. तो क्या कुछ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए ड्यूरिंग द इंटरव्यू? ड्यूरिंग माई इंटरव्यू आई वॉज आस्ड क्वेश्चन अबाउट छत्तीसगढ़, अबाउट द प्रोग्रेस दैट इट इन द स्टेट सिंस इट्स क्रिएशन, अबाउट पॉवर्टी लेवल्स, अबाउट फॉरेस्ट, अबाउट ट्राइब्स. एंड सिंस आई हैव ग्रेजुएटेड इन मेटलर्जी, आई वॉज ऑल्सो आस्ड अबाउट भिलाई स्टील प्लांट एंड नगरना स्टील प्लांट. एंड देर वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम माई हॉबी, विच इज़ रीडिंग फिक्शन. सो आई वॉज आस्ड हु माई फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर इज एंड वाई. सो दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो कभी ऐसा लगा किसी पॉइंट पे आके कि ये क्या पूछ लिया मुझसे, ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस टाइप का है? इंटरव्यू का तो कोई स्पेसिफाइड सिलेबस भी नहीं है, सो वन ऑलवेज हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो ओके, तो अब आप उस स्टेप में एक कदम और आप आगे बढ़ चुकी हैं, जो देश का दिशा और दशा दोनों निर्धारित करते हैं. कहीं ना कहीं IAS और ये एग्ज़ाम्स क्रैक करके जितने लोग निकलते हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IRS हो, या इस एग्ज़ाम को क्रैक करके बैंकिंग के सेक्शन में चला जाए, तो ये तमाम वो लोग होते हैं जो देश की दिशा और गति निर्धारित करते हैं. तो क्या सोचते हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है?
मेरा यही कहना है कि सर्विसेज प्रोवाइड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड टू हेल्प इन नेशन बिल्डिंग एंड नेशनल डेवलपमेंट. तो आई थिंक जो सर्विसेज में मिलता है आई थिंक वो अपॉर्चुनिटीज अनपैरेलल्ड है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज. अनुषा, घर में मम्मी IAS हैं, पापा IPS रहे हैं, भैया भी इसी फील्ड में हैं आपके, तो कैसा क्या माहौल रहता है? क्योंकि आप बचपन से इन्हीं चीज़ों को देख के बड़ी हुई हैं. कई बार ऐसे कुछ लगता है कि मम्मी कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते, फिर पीछे से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, उन सब का क्या कैसा माहौल रहा? मेरे घर में तो जैसे मैं तो यही देखी हूँ कि जो काम करते हैं उसमें कितना अच्छा काम हो सकता है, तो यही इन्फ्लुएंस किया है मुझे मतलब इस फील्ड को चुनने के लिए कि बहुत अच्छा काम किया जा सकता है सोसाइटी के लिए. तो फिर यही मोटिवेशन रहा है मेरे भाई के लिए भी, मेरे लिए भी. तो अगर आपको कोई सुझाव देना हो नॉर्मल अभी का जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो वो आप एक क्या देना चाहेंगी? मुझे उतना कुछ नॉलेज है नहीं, आई एम नॉट रियली वेल वर्स, आई कांट कमेंट ऑन दैट. छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ को कैसे देखती हैं आप? छत्तीसगढ़ का मेरा यही है कि आई हैव बीन ब्रॉट अप हियर एंटायरली, सो आई एम वेरी अटैच्ड टू द स्टेट एंड इट्स प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली एंड इट्स मेकिंग जायंट स्ट्राइड्स ऑन द नेशनल स्टेज. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आपने अभी अभी बताया कि सेकेंड अटैम्प्ट था ये आपका, तो जिन लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, कई बार फेल होते हैं फिर कई बार ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगी कि कौन से ऐसे चीज़ों को याद रखें कि ये एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा क्रैक हो सके? आई थिंक वेल माई मंत्रा वेल वॉज टू बी कंसिस्टेंट, टू बी डिसिप्लिंड एंड ऑल्सो टू फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड रिविजन, बिकॉज रिवाइजिंग वॉट वन हैज स्टडीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट सो दैट वन रिटेन्स इन्फॉर्मेशन. सो टू दोज हु हैव फेस्ड फेलियर एट एनी स्टेज इन दिस एग्जाम, आई वुड से दैट फर्स्ट दे शुड एनालाइज द रीजन्स फॉर देयर फेलियर and then try to work on their shortcomings, and you are your own best judge, so no one can tell this better than yourself, so it's important to work on those shortcomings. And for UPSC there are certain things such as previous year's questions and the syllabus which are very important, and it's important to take mock tests so that one can evaluate oneself at every stage of this preparation, and it's important not to lose hope and it's important to just keep going and to persevere. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आप रायपुर छत्तीसगढ़ में ब्रॉट अप हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो ऐसी जगह से निकल के नेहरू नगर का रुख बहुत करते हैं. दिल्ली का नेहरू नगर UPSC के एग्ज़ाम के लिए हब है. आपने रायपुर में प्रिपरेशन किया, कैसा क्या मॉड्यूल था उसमें? हाँ, मैंने पूरा प्रेपरेशन रायपुर से ही किया. आई हैव बीन हियर थ्रू आउट एंड नाउ आई थिंक विद सिंस देयर आर एम्पल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, आई डू नॉट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू गो टू दिल्ली. वन कैन मेक यूज़ ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, फॉर इंस्टेंस आई यूज अन अकेडमीज़ ऑनलाइन क्लासेस, सो आई थिंक वन कैन प्रिपेयर फ्रॉम होम, इवन वन डज नॉट हैव टू गो टू दिल्ली और एनी अदर बिग सिटी. और कुछ स्पेसिफिक उस तरीके की चीज़ें जो सिर्फ एक UPSC को क्लियर करने के लिए ही आपने जो डेडिकेशन में यूज़ किया? स्पेसिफिक चीज़ें मतलब एक डिसिप्लिन तो इम्पॉर्टेंट है फॉर UPSC एंड फॉर एनी एग्जाम, सो दैट वाज वन थिंग आई एंश्योर्ड दैट आई डिड. न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग, बट आई हैड टू डू इट मोर डिलीजेंटली फॉर द एग्जाम. And apart from this, I kept up with my hobbies such as playing badminton and reading. So I didn't totally give those, I did not give those up and I ensured that there was balance. तो ये थी बातचीत रायपुर छत्तीसगढ़ के आयशा से, जिन्होंने अभी अभी फ़िलहाल UPSC का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 202 रैंक हासिल किया है, जो कहीं ना कहीं एक मार्केबल रिज़ल्ट ज़रूर है प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी. आगे आने वाले समय में हम इनको देश में डिफरेंट सर्विसेज में देख सकते हैं. फिलहाल रायपुर से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट.